भाई इसके मूड सूजा हुआ है रात को, पता नहीं इसका क्या हुआ क्या नहीं, मतलब इसकी आंखें वगैरह सूज गई थी। तो अभी मेरी बहन बेचारी छोटी बहन नहीं तो भाई इसके साथ क्या हुआ, रात को मैं आया जैसे रूम में रात को, तो 3 बजे की बात, ठीक है 3 ही बज रहे थे नेहा, मैं सोने आया था जब डेढ़ बज रहा था अच्छा हाँ एक बार शायद बीच में हाँ बीच में आया था भाई मैं 1:30 बजे। तो जब ये मतलब ऐसी उठ के गई थी एक बार और आई, फिर मैं यहाँ पे था तो बोली कि साहिल देखियो यार मेरी आंख सूजी सूजी लग, मैं डर गया मैं एकदम क्या हो गया इसको। फिर मैंने चेक वगैरह करी, मतलब देखी इसकी आंख, फिर देखा नॉर्मली इसने रगड़ ली थी रात को आँख, तो उस वजह से स्वेलिंग हो गई थी, ज़्यादा रगड़ ली थी रात को, ज़्यादा हाँ। तो वही तो कह रहा हूँ अभी मेरे लव ए चिप्स खा रही है, मेरे पर्स से पैसे नहीं दे रहे। ओ भाई ठीक है यार ये ऐसे ही बकवास करेंगे, और अभी मैं बस थोड़ी देर रेस्ट करके 10-15 मिनट फिर मैं जा रहा हूँ पीएल अमित के पास। चलो भाई पहुँचते हैं। क्या मम्मी यार समझा लो ना इसे, क्या ना लूँ चिप्स चोर थोड़े हाथ पहुँच गया सुन पानी नहीं, नहीं है नहीं, मेरी बात तो सुन टूट गया चिप दाने दाने आए ये देखो, अरे कहा गए ये दाने आए मेरे नसीब में, एक तो तू मेरे चिप्स खा रही है ठीक है, ऊपर से तू बोल रही है हैं तेरे चिप्स कहां लेकर आया, मैं लेके आया था तू लेके आई है लात मारूंगा, ओ मेरे पर्स से निकाल के पैसे दे रही है और कह रही है पैसे मैंने दिए थे हैं, बहुत तेज हो रहे हो भैया, कम बोल भी आ जा तो 2-3 फोटो डालियो मेरे एक सिंगल से, तेरी सिंगल ज्यादा अच्छी रहेगी थंबनेल के लिए। हाँ तू छोटी बहन है ना, तू छोटा भाई देख चिप्स खा रही है चिप्स चल भाई तो बेस्ट है तुम्हारा, तू तू है चिप्स चोर तू है चिप्स वीडियो का बनाने लग गया तू पहले से ही बना रहा हूँ ओ भाई सुना कितनी तेज वो छोड़ भाई एक बार देखना पानी में पड़ गई हो कहाँ भाई छुपा दिया मैं ढूंढता मैं कहाँ गया फुल तेज है श्री फुल तेज क्या तो वो हाँ तो दूध तो चाट सकते हैं इसमें क्या है चलो भाई मैं जा रहा हूँ बाय 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 भाई मैं अभी अमित के पास जा रहा हूँ, पीएलए पार्किंग में है वो, उसने हेयर कट वगैरह कराई होगी तो बस उसके पास मिलने जा रहा हूँ क्योंकि वो फिर कल सुबह निकल रहा है या फिर आज शाम को मतलब वो निकल रहा है वैष्णो देवी के लिए, तो बस मिल रहा हूँ एक बार, मेरे को कोई काम भी है तो वो होने के बाद मैं वापस घर आऊँगा। चलो पहुँचता हूँ, मैंने इसको ले लिया रूम से और अब हम जा रहे हैं कहाँ पे, चाय फी में बैठेंगे थोड़ी देर, भैया से बात करेंगे फिर ये मतलब जाएंगे, आज शाम को ही निकल रहे हैं ये, तो मिलते हैं पहुँच के वहाँ पे। चलो ओके सर, और क्या हाल है तेरे, बस आज कटिंग करवाई है सही है मेरे जैसी करा ली तूने, अच्छी करवाई हाँ मेरे से अच्छी भाई मेरे से अच्छी। चलो भाई पहुँचते हैं तू लोकल सैलून भाई, अमित एक बार रूम पे गया है कॉस्ट्यूम्स लेने, हम आज दोबारा स्विमिंग करने जा रहे हैं, उससे पहले हम जा रहे हैं मैकडी में बर्गर वगैरह खाने के लिए, काफ़ी टाइम हो गया खाए हुए कुछ फास्ट फूड, आज मैकडी से स्टार्ट करेंगे तो थोड़ी फूड व्लॉगिंग भी हो जाएगी साथ के साथ। तो चलो अभी वो बस कॉस्ट्यूम लेने गया एक बार रूम से, फिर जाएंगे हम। चलो भाई
भाई हम अब आ चुके हैं यहाँ पे मैकडी के पास, ये तो फोन पे लगा पड़ा है। अब मैकडी में जाके मैकडी का बर्गर खाएंगे वहाँ पे। मैकडी और गाड़ी पीछे खड़ी कर दिया, चलो चलते हैं। हाँ छोटे छोटे। हाँ जी बड़े भाई, क्या हाल है? मिल रहे हैं सर भाई, मैकडी में आ गया, बना रहे हैं अभी। साहिब मलिक पार्टी दे रहे हैं आज। किस चीज़ की? 100 सब्सक्राइबर्स की है। किस? अब किस? स्विमिंग पूल में लेके जाएगा ये। अच्छा हाँ, और तो जल्दी से जल्दी 200 करो आप साहिब, तो डबल पार्टी होगी, लद्दाख चले गए फिर ये भी ठीक है। सही आ रही है यार, लोकल कैमरा है, लोकल कैमरा है, लोगों तो ले आ रखे हैं जैसे शक्ल उसी तो आएगी वीडियो। भाई हम मैकडी से बर्गर मतलब मील वगैरह खा के आ चुके हैं और अब हम जा रहे हैं स्विमिंग पूल स्विमिंग करने। कहाँ पे? कहाँ पे? H2O द स्पोर्ट्स कैफे। चलो चलते हैं भाई, हम पहुंच चुके हैं H2O में। तो अभी बस एक बार वाइपर वगैरह लग रहा है यहाँ पे, तो इसलिए बस 5 से 10 मिनट बाद हम स्विमिंग स्टार्ट करते हैं। कैसा फील हो रहा है आपको यहाँ पे? तेरे मुंह को भी वाइपर लगवा दूँ मैं। हाँ साफ हो जाएगा, थोड़ा साफ हो जाएगा। हाँ टेढ़े पे भी गंदगी बोल रही, टेढ़े पे भी गंदा बोल रहा है। टेढ़ा देख ले, D10 करा के आया, ये लग रहा है D10 करा के आया। D10 करवा के आने। अरे यार ये सदा जिंदगी में इसलिए कभी सच बोलने को नहीं आया, मतलब ये कभी जिंदगी में सच नहीं बोल सकता। बोलनी चाहिए नहीं हमेशा हर चीज़ भाई, छोटी से छोटी चीज़ पे झूठ बोलता है, यही तो मजा है जिंदगी का। ठीक है भाई, मैं भी अब से झूठ बोल रहा हूँ। जिंदगी का मजा कट्टे पे ही है, बताओ। छोड़ यार मैं कुछ नहीं बोलना चाहता इस बात पे, तू आराम से अपना स्विमिंग कर जाके। ना तू जा, मेरे को मैं यार ये पैदल वैदल का सीन नहीं होता मेरे से, ऊपर गाड़ी जा सकती होगा, हेलीकॉप्टर जाता है, हेलीकॉप्टर यार हेलीकॉप्टर हवा में उड़ता। भाई हम आ चुके हैं, हम चेंज करने जा रहे हैं चेंजिंग रूम में, और हमारा स्विमिंग पूल पीछे, और फिर हम करेंगे स्विमिंग। मैं तो फुल मतलब अभी धूप हो रही है ना बाहर, तो उस वजह से फुल गर्म पानी आया भाई, मैं तो गर्म पानी से नहाया हूँ, स्विमिंग करेंगे चलो। स्विमिंग कर लिया, अब हम थक चुके हैं और अब हम जा रहे हैं। चलो स्विमिंग करने के बाद चाय पी बैठे थे हम 1-1.5 घंटा, और अब आ गए हम राजगुरु मार्केट रामचाट भंडार में। मतलब मैं तो मिल्क बादाम ही पीऊंगा और ये कुछ खाता होगा। चलो जाते हैं अभी भाई, एक बार अभी आए हैं रामचाट भंडार से मिल्क बादाम पी के अमित के रूम पे, मतलब कॉस्ट्यूम वगैरह सुखाने के लिए, फिर चाय पे जाएंगे वापस, फिर मैं घर जाऊंगा अपने। चलो एक बार तो आए हैं यहाँ पे कि मैं PLA से आ चुका हूँ अमित के पास से, उसके बाद मेरे स्कूल्स के फ्रेंड्स मिल गए थे, स्कूल्स के फ्रेंड्स बेंचो क्या बोल रहा हूँ, स्कूल के फ्रेंड्स मिल गए थे, 2-3 दोस्त मिल गए थे, फिर सीनियर्स मिल गए थे, तो वहाँ पे टाइम लग गया था। उसके बाद मैं शिवम के पास आया था, और उसके बाद फिर अपना ये भाई है विनीत गदारा, कुछ बोलेगा राम भाइयो, क्या हाल है तेरे? ये भाई बदमाश है सारे का, सबसे बड़ा बदमाश ही सारे का यही है, इससे ऊपर कोई नहीं है भाई, कोई भी मतलब लिखी गई है। अच्छा हाँ, 27 जून 2019 को इसके ऊपर एक कहानी लिखी गई है, कोई भी मतलब बहुत प्रचलित हो कहानी। अगर भाई कोई भी दिक्कत बात हो जाए ना, तो सीधा कॉन्टेक्ट नंबर मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है, वहां से इसके पास कॉल कर लेना भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, उसी टाइम हाजिर हो जाता है ना, है। और उसका तो आपको पता ही है, उसको उसकी कुछ आनी जानी नहीं है। शिवम सुन रहे हैं। चलो भाई अब कहाँ जा रहे हैं आप? देखेंगे, देखते हैं भाई कहीं तो जा रहे हैं, चलो पहुंचते हैं। भाई इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूँ, क्योंकि मैं उसके बाद जैसे उनसे मिल के आके मैं घर आ गया था, घर आने के बाद जैसे मेरे आज मेरे मौसा जी आए हुए थे, तो उनके साथ बातें वगैरह करने लग गया था, तो उसके बाद खाना खाया हमने, और अब मुझे आ रही है नींद,
लेकिन मुझे आज भी जैसे दो ब्लॉग्स हो गए हैं तो मेरे को एडिट करने हैं, अपलोड करने हैं, तो मेरे को उसमें लग जाएगा काफ़ी टाइम। तो मैं इस ब्लॉग को पहले यहीं एंड अभी कर देता हूँ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको वीडियो नहीं ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।